हेलो दोस्तों, झींगा बिरयानी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने चावल ले लिया, उसके अंदर गरम मसाले डाल दिए, लवंग, इलायची, तेज़पात, जीरा और ऑयल और खड़ा मसाला। और इसके अंदर इसको धो लिए थे हमने, और इसके अंदर हम पानी डाल के इसे थोड़ा ही पानी डाले। खिले चावल बनाने हमें थोड़े कच्चे बनाने, ज़्यादा पक्का बनाने बनाना है। अब हमने तवा पे साइड झींगा बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं। तो प्याज को हमने बारीक तेल में भूज लिया है। झींगा को हम साफ कर लेते हैं। देखो झींगा को साफ कर लिया है। अब इसे हम गर्म पानी में अच्छे से उबाल लेंगे। जब ये टाइट हो जाएगा और अच्छे से धुल जाएगा, और पहले भी 4-5 पानी धो लिए हैं और ये मसाले हमने पीस लिया है। अपने घर पे हम ऐसे ही बनाते हैं। तो अब ये उबल चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है और ये मसाले पीस दिए हैं। और झींगा उबाला हुआ झींगा को अच्छे से भून लेंगे, एकदम ब्राउन कलर आ जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने तेल डाला है और इसके अंदर जीरा और तड़का लगाया है, और ये मसाले डाले हैं जो पीसे हुए थे, और हल्दी, नमक स्वादानुसार, और ये मसाला है बिरयानी का। ये मसाला हम 6 पैकेट है डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब में। और ये हमने नमक डाला स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से पका लेते हैं हल्का सा पानी डाल के, ठीक हो जाएगी। अब हमारा परसे हो चुका है, देखिए कितना मस्त कलर आ गया है। तो इसके अंदर हम झींगा डालेंगे भुना हुआ। हम इसी तरह अपने घर में बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। हमारा झींगा पक चुका है। अब इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे, हल्का सा धनिया डालेंगे और धनिया डाल के इसे उतार देंगे। और हमारे चावल थोड़े कच्चे पक चुके हैं, ये झींगा के ऊपर हम चावल डाल देंगे। पुलाव वाले चावल बनाए हमने, इसे हम डाल देंगे। और उसके बाद से हम इसके ऊपर जो प्याज हमने पकाए थे तवे पे उसे डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ धनिया डाल के, और 10-15 मिनट के लिए बारीक गैस पे पकने देंगे। देखिए अब कितना मस्त फ्लेवर आ गया है झींगा बिरयानी में। देखिए इसी तरह झींगा बिरयानी जो हाथ पे बनता है। वीडियो को एक लाइक जरूर।